नमस्कार दोस्तों, आज हम आइकिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक फर्नीचर का ब्रांड है। आज की डेट में इनका टोटल जो सेल है ईयरली, वो 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा का होता है। वही अगर हम बात करें कि 30 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं और 450 से ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। जब आइकिया इंडिया में आई थी, हैदराबाद में इनका पहला स्टोर लॉन्च हुआ था, तो उस दिन पूरा शहर जाम हो गया था। 10 मिनट की दूरी लोगों को 4 घंटे लग रहे थे। तो ऐसा आइकिया क्या करती है कि इसने पूरा फर्नीचर इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। आज के डेट में इनके जो कंप्यूटर्स हैं वो इनसे 1/4 सेल भी नहीं कर पाते हैं पूरे ईयर के रेवेन्यू में अगर हम देखें तो। तो इनकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं और आइकिया जैसे एक बड़े ब्रांड आप भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में वो उन हर एक स्ट्रेटजीज को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। Employees say the menu items selected including fried chicken, watermelon, mac and cheese. दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया, the CEO of IKEA and his name is Peter Betzer. दोस्तों, आइकिया की शुरुआत 1943 में स्वीडन में हुई थी और इसके फाउंडर थे इंग्वार कैंपर्ट, जिनकी एज उस समय करीब 17 साल ही थी मात्र। दोस्तों, आइकिया आज के डेट में होम अप्लायंसेस बनाती है, फर्नीचर्स बनाती है और ये रेडी टू असेंबल फर्नीचर्स बनाया करती है। मतलब आप अपने घर पे फर्नीचर्स लेके आइए और उसको जोड़ के तुरंत एक बड़ा फर्नीचर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आइकिया ऑपरेट करती है। ये जो नाम है ये इनके फाउंडर के जो दोनों वर्ड है उससे लिया गया है और उनके एक फार्म हाउस और उनके विलेज के नाम को जोड़ के आइकिया बन जाया करता है। आइकिया जब फर्नीचर के बिजनेस में शुरुआत होती है तो उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फर्नीचर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस समय जो फर्नीचर का कॉस्ट सबसे ज्यादा बढ़ जाया करता था, उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में फर्नीचर का कॉस्ट बढ़ जाया करता है और उसको असेंबलिंग करने में घरों पर ले जाके उसका फर्नीचर कॉस्ट बढ़ जाया करता है। तो काफी सारे मार्केट रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक दो चीजें और ऑब्जर्व करी कि डिजाइंस की काफी कमी है फर्नीचर इंडस्ट्री में। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले इन्होंने कुछ ऐसे फर्नीचर्स बनाए, जैसे कि अगर आपका घर का बेड है तो ये इस तरह से बेड बनाया करते थे कि उसको एकदम छोटे से छोटे पैकेट में ये पैक करके अपने असेंबली लाइन में रख लेते थे। मतलब 3-4 जगह दोस्तों कॉस्ट आया करता है किसी भी चीज़ को जो आप घर में खरीद के लाते हैं। सबसे पहले जब वो मैन्युफैक्चर होती है तो उसका कॉस्ट आता है, सेकंड चीज वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जहां पे उनका स्टोरेज होता है वहां तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है और स्टोरेज में वो जितना जगह ऑक्यूपाई करता है उसका कॉस्ट होता है। तो ये सब कुछ जुड़ के आपके जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें जुड़ के मिल जाता है। तो आइकिया ने सोचा कि मैं बिहाइंड द वर्क वाला मैं पूरा प्रोसेस को रिजॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले फर्नीचर को कुछ इस तरह से बनाया कि जैसे अगर आपको बेड घर पे लाना है तो उसको वो मिनिमम एरिया में वो पैक कर सके और उसका पूरा स्टेप एकदम प्रोसेस सिंपल हो ताकि आदमी घर पे लाके उसे असेंबल भी कर ले। तो जो पिछला पूरा प्रोसेस था, मतलब उसको स्टोर करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बेड एक ट्रक के में लेके आते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा उसी के कॉस्ट में 8 बेड रख दिया करते थे एक के ऊपर एक करके। तो इससे इन्होंने काफी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा दिया। अब इससे क्या हुआ कि इनका कॉस्ट मार्केट में जब ये लेके आए तो काफी रिड्यूस हो गया और इनके बाकी जो कंपटीटिव प्लेयर्स हैं वो सब कुछ पूरी तरह से असेंबल किया करते हैं। एक बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े फर्नीचर वो अपने इन्वेंट्री में रखा करते हैं ताकि इन्वेंट्री काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है जो कि इनके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अब यही चेंजेस आइकिया कर रहा था। दोस्तों, आज के डेट में आइकिया 30 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है। ये जिस भी कंट्री में जाते हैं ये अपना मॉडल थोड़ा सा चेंज कर लिया करते हैं, ये उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी USP है। तो दोस्तों, इनके इंडिया के मार्केट में आने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले ये 1990 से भारत से ये लकड़ियां लेके जाया करते थे और आउटसोर्स करके बाहर चीजें बनाया करते थे। आइकिया बहुत पहले से चाहता था कि वो इंडिया के मार्केट में एंटर करे, बट उसको ये भी पता था कि इंडिया का कल्चर कुछ बाकी जगहों से अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले मार्केट रिसर्च करना चालू किया। तो सबसे पहले इन्होंने अपने 800 एम्प्लॉयज को इंडिया में भेजा और वो घर घर जाके रिसर्च किए कि इंडियंस अपने किस तरह के फर्नीचर्स रखा करते हैं, इंडियंस का बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से बाइंग किया करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि इंडियंस हमेशा चाहते हैं कि वो सस्ती चीजें खरीदें, जो कि आइकिया बेच रहा था। और इंडिया का जो मार्केट है वो काफी यंग मार्केट है, अभी नया नया इंडिया का मार्केट डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे आइकिया को आना ही था इंडिया में। तो काफी कुछ रिसर्च करने के बाद आइकिया का जो स्टोर का पूरी प्लानिंग होती है ये बहुत बड़ा इनका एक स्टोर हुआ करता है। मतलब आप समझ सकते हो कि करीब 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर आइकिया का एक स्टोर हुआ करता है।
अब इसमें कोई जब अंदर ट्रेवल करता है तो उसे भूख भी लगा करती है, तो आइकिया बाहर के कंट्रीज में चिकन बॉल्स रखा करता है, कुछ लोगों के जो फेवरेट चीजें होती हैं। और लेकिन जब इंडिया के मार्केट में वो एंटर कर रहे थे तो देखा कि उन्होंने इंडियंस चिकन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बहुत जो मेजर पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इन्होंने वेज बॉल्स रखने चालू किए। मतलब आइकिया आप अंदर फर्नीचर्स भी खरीदिए, वहां पे उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहां पे आप खाना भी खा सकते हैं, तो करीब 30% लोग तो इनके यहाँ वहां पे जाके कुछ लंच और कुछ डिनर करने ही जाया करते हैं। तो कुछ इन स्ट्रेटजीज से आइकिया ने सबसे पहला स्टोर अपना हैदराबाद में खोला। दोस्तों यहाँ पे आइकिया को सबसे पहले दिन अपना बड़ा एक फुटफॉल करना था कि मतलब जब ये मार्केट में लॉन्च हो तो इंडिया को पता चल जाए कि आइकिया इंडिया में आ चुकी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि ये बिरयानी को इन्होंने बहुत कम रेट में रखा हैदराबाद में। अब जिससे कि क्या हुआ, पहले दिन जब इनका स्टोर लॉन्च हुआ तो वहां पे 40,000 करीब लोग इनके स्टोर पे पहले दिन में आ गए, और आइकिया ने इतना एक्सपेक्ट भी कभी नहीं किया था। दोस्तों लोगों की 10 मिनट की जो जर्नी हो रही थी उसको 4 से 5 घंटे लग रहे थे, और ऐसा रेगुलर होने लगा। तो आइकिया को खुद अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म से आके बोलना पड़ा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप आराम से आइए, शॉपिंग करिए, कुछ दिन रुक के भी आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक को पूरे हैदराबाद में कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जा रहा था और लोग आइकिया के प्रोडक्ट इतना ही पसंद कर रहे थे। आइकिया में कुछ खास बातें हैं, ये आपको सस्ते प्रोडक्ट भी देता है, ये आपको महंगे भी देता है, काफी अफोर्डेबल इसके प्रोडक्ट होते हैं, और ये कहीं भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो इंडिया में हमेशा से मेंटेलिटी रही है कि जब भी हम कोई फर्नीचर खरीदे तो वो 10-20 साल एटलीस्ट चले, और इसी मेंटेलिटी को पूरा करने में आइकिया यहाँ पे लग गया था। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि बाहर के देशों में क्या होता है कि लोग अपने घरों तक जो सामान लेके जाते हैं तो वो लोग खुद ही असेंबल कर लिया करते हैं, लेकिन जब इंडिया के मार्केट में आए तो उन्हें दिखा कि इंडियंस थोड़ा सा लेजी हुआ करते हैं, वो घर पे चाहते हैं कि दो आदमी आए और वो अनपैक करे और उसके बाद उसे पूरी तरह से असेंबल करे। तो इसे समझते हुए इन्होंने अर्बन क्लैब से कोलैबोरेशन किया। अर्बन क्लैब को बारे में आप जरूर जानते होंगे कि उनकी जो लोग होते हैं वो आपके घर पे आके कई टाइप की सर्विसेज देते हैं, चाहे आपको एसी रिपेयरिंग चाहिए हो, चाहे आपको फर्नीचर रिपेयरिंग चाहिए हो, चाहे आपको असेंबलिंग चाहिए हो, तो यहाँ पे इन्होंने अर्बन क्लैब से कोलैबोरेशन किया ताकि जिसे भी चाहिए कि वो खुद से असेंबल नहीं कर सकता है उसके घर पे अर्बन क्लैब की टीम चली जाए। आज की डेट में आइकिया के करीब 12,000 प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में अवेलेबल हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में हर प्रोडक्ट बना दिया करते हैं, और सबसे पहले ये किसी भी प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से उसको ये पूरी तरह से डिजाइन किया करते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर इनको एक सोफा 12,000 का बनाना है तो ये उसी टाइप के मटेरियल लगाएंगे, लेकिन ये क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि इनका ब्रांड वैल्यू हमेशा मेंटेन रहे, उससे ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर जो बाकी कंपनीज हैं उनसे कहीं तेजी से इनका ग्रोथ है, अगर इनका ऑन एन एवरेज हर ईयर करीब 5% का ग्रोथ रेट है, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये काफी लाइट वेट प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि क्वालिटी भी नहीं खराब हो और लोग इजिली अपने घरों तक ले जा सकें, इससे कि कॉस्ट में काफी रिडक्शन आ जाता है, सस्ते ये प्रोडक्ट देते हैं। अगर मार्केट में आपको एक 6,000 रुपए का सोफा है तो आइकिया के स्टोर पे वो 4,000 का मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने पूरे इनके स्टेप्स बताए कि ये प्रोडक्ट को बनाने में काफी कम कॉस्ट लगाते हैं और ये उसको स्टोरेज में काफी कम एरिया लेते हैं, और वो सारे जो पैसे बचते हैं ये अपने प्रोडक्ट में उसको कम कर देते हैं। अब इसका इनका प्रॉफिट ऐसे होता है कि ये बल्क प्रोडक्शन में विश्वास रखते हैं, मतलब काफी ज्यादा बल्क में सेलिंग करते हैं, इससे इनका इकोनॉमी ऑफ सेल काफी ज्यादा बढ़ जाया करता है। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है डिकॉय इफेक्ट का। डिकॉय इफेक्ट आपने हमेशा देखा होगा मूवी सिनेमा हॉल्स में, जब आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको 3 रेट्स मिल जाया करते हैं, जैसे कि एक आपको पॉपकॉर्न छोटा मिल गया है 300 रुपए में, और आपको मीडियम साइज मिल रहा है 600 रुपए में, और लार्ज साइज मिल रहा है 700 रुपए में। तो अगर आपको बड़ा साइज खरीदना है तो आप हमेशा 700 वाला साइज खरीदेंगे, 600 वाला नहीं खरीदेंगे। इसे कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। आपने जब भी मूवी देखने गए होंगे आपको ये 3 रेट जरूर दिखाई दिए होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा कंपेयर करता है और उसको दिखाई देता है कि 600 से 700 वाले में ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होगा, उसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। अब यही काम आइकिया भी लगाया करता है। तो अगर आइकिया के आप स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक टेबल लेना है, और मान लो वो अगर आपको 2,000 रुपए का दिख रहा है तो वो 3 तरह के उसके रेट्स होंगे। तो पहले उसका छोटा टेबल 2,000 रुपए का होगा जिसमें ठीक ठाक वो मटेरियल यूज करेंगे और वो हर एक चीजें स्पेसिफिकली लिख दिया करते हैं। वहीं एक उनका दूसरा होगा वो 3,500 रुपए का होगा टेबल, उसमें भी ठीक ठाक मटेरियल यूज होगा, और अगला ये 4,000 रुपए का एक अपना टेबल रख देंगे जो कि हाई क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहा होगा। तो लोग हमेशा इन तीनों प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, और आदमी अगर 2,000 वाला प्रोडक्ट लेने के आया है तो वो 4,000 का लेके जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों डिकॉय इफेक्ट, जो कि आइकिया सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया करता है।
अब यहाँ पे ये अपने दोनों टाइप के ऑडियंस को कैटर करता है। जो एक इन्होंने बीच में 3,500 का मीडियम में प्रोडक्ट लगाया, वो कंपैरिजन के लिए लोगों को हेल्प करता है कि किसी को अगर सस्ता लेना है तो वो 3,500 की जगह 2,000 वाला ले ले, और किसी को अगर महंगा लेना है तो 3,500 की जगह वो 4,000 वाला ले ले। तो ये इस तरह से IKEA अपने प्रोडक्ट सेल किया करता है। आज की डेट में IKEA के करीब 2.17 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और सबसे ज्यादा ये अपने कॉस्ट बचा लेते हैं एम्प्लॉयज में, क्योंकि दोस्तों इनके जितने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो ये सब चीजों के लिए लोग नहीं बैठाते हैं कि आप जाइए तो आपको कई लोग बैठ के प्रोडक्ट अपना दिखा रहे होंगे फर्नीचर का। ये क्या करते हैं कि उसकी सारी स्पेसिफिकेशन उसी पे लिख दिया करते हैं ताकि आदमी खुद देख के समझ जाए। इससे इनके काफी ज्यादा एम्प्लॉयज रखना कम हो जाता है, और यहाँ पे भी IKEA अपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती है। IKEA मार्केटिंग पे बहुत कम पैसे खर्च करता है, IKEA वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा फोकस किया करता है। अगर आपने घर में अपने फर्नीचर लेके आया है और उसका डिजाइन बहुत अच्छा है तो आपके घर में जो भी आ रहा है वो जरूर पूछेगा ये कहां से लिया, और यहां से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, और इस तरह से IKEA पूरे कंट्री में और पूरे दुनिया में स्प्रेड होता जा रहा है। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केटिंग पे फोकस करती है, लेकिन IKEA अपने डिजाइन और अपने प्राइस पे फोकस किया करता है। ये दो स्ट्रेटजीज उसको मार्केट में सबसे अलग बना दिया करती हैं। दोस्तों आज की डेट में IKEA के स्टोर पे 2 बिलियन से ज्यादा लोग आया करते हैं। इन्होंने अपना ऑनलाइन वर्जन भी लॉन्च किया ताकि जो भी इनके स्टोर्स पे ना आ पाए वो इनसे ऑनलाइन चीजें खरीद सके और अपने घरों पे ही मंगा के खुद असेंबल कर ले। इंडिया में इन्होंने हैदराबाद पे काफी बड़ी सक्सेस होने के बाद इन्होंने अपने आप को मुंबई में लॉन्च किया, उसके बाद इन्होंने गुड़गांव में नॉर्दर्न रीजन में भी इंडिया में लॉन्च किया। इसके बाद में IKEA ने देखा कि इंडिया में Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी फर्नीचर की काफी बड़ी डिमांड है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इन्होंने अपने छोटे छोटे स्टोर छोटे शहरों में भी लॉन्च करने चालू किए। अब इस तरह से IKEA अपने आपको पूरे मार्केट में स्प्रेड करता जा रहा है, और रीजन है इनका लो कॉस्ट और बहुत ज्यादा डिजाइन से ये मार्केट में लेके आते हैं। दोस्तों अगर हम ये पूरी स्टोरी को समअप करें तो IKEA पैसे अपने पहले बचाती है, फिर चीजों को सस्ता करती है, और बल्क में काफी ज्यादा सेल करती है, जिससे कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। $45 बिलियन से ज्यादा का इनका सेल है, और इनके कंपटीटर्स $10 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। यही कुछ रीजंस हैं IKEA की इतनी मैसिव सक्सेस के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ स्ट्रेटजीज आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों मॉडल टोयोटा का भी था। टोयोटा जस्ट इन टाइम मॉडल पे काम किया करती है, वो तुरंत असेंबलिंग करते हैं प्रोडक्ट को, वो अपने इन्वेंट्री में काफी जगह नहीं रखना चाहते हैं, और आपके इन्वेंट्री में अगर कम जगह घेरेगा कोई भी चीज तो उसका कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। इसी मॉडल पे दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बनाया करती हैं। तो दोस्तों आप ये कमेंट में ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको IKEA की स्ट्रेटजीज कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद आपको, और वीडियो में ऐसे ही बने रहने के लिए, हमेशा हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।